ये पहली घटना नहीं है जहां हमने सुना हो या देखा हो कि एयरलाइन कंपनियों द्वारा मिसमैनेजमेंट। ऐसी कुछ कहानी आई है हमारे पास जो मुंबई के रहवासी है अलका और पंकज खारा, उन्होंने अपनी घटना बताई कि किस तरीके से वो सैन फ्रांसिस्को से मुंबई लौट रहे थे वापस अपने घर जहां पर यहां मौजूद है, और एयरलाइन ने किस तरीके से उनको नो शो लगाया और उसके कारण उनको कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिल पाया और एडिशनल जो है 2.5 लाख रुपए भरने पड़े एक राउंड ट्रिप की टिकट होने के बावजूद भी। 6 लाख तक की ये टिकट थी जो इन सीनियर सिटीजन्स ने खरीदी थी, उसके बावजूद भी एयरलाइंस ने उन्हें एयरक्राफ्ट में नहीं आने दिया, ऑफलोड कर दिया और सारा सामान भी उतार दिया। उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह की कहानी थी और मेडिकल फ्लाइंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी उन्हें मुंबई क्यों नहीं आने दिया एक प्रॉपर टिकट होने के बावजूद। पंकज जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि सर ये जो घटना थी, आपकी वाइफ को इंजरी हुई थी और एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, फिर भी उन्होंने आपको एयरप्लेन में चढ़ने नहीं दिया, क्या थी एग्जैक्ट कहानी? हम दोनों सीनियर सिटीजन, हम यहाँ से अमेरिका 26 मई को गए थे, हमारी बेटी की प्रेगनेंसी थी डिलीवरी के लिए, और 7 अगस्त को हम वापस में फ्लाई कर रहे थे। हमारे पास बिजनेस क्लास का टिकट था जहां हम उन्होंने 6 लाख रुपया फेयर दिया था, तो 7 अगस्त को हम लॉन्च में बैठे थे चेक इन करके, और ये हमारा बोर्डिंग पास है दोनों का, और ये लगेज टैग है जो हमने लगेज हैंड ओवर कर दिया, और हम लॉन्च में बैठे थे तो 7:30 को हमको मैसेज भेजा लॉन्च में कि बोर्डिंग चालू हो गया है, आप तुरंत नीचे चले जाओ। वैसे ये जो एयरक्राफ्ट है वो बेंगलोर से 7 बजे आया था, जो उनका टर्न अराउंड होता है कि जो पैसेंजर्स बेंगलोर वाले जो अमेरिका आए वो खाली करे और सब टेक्निकल इंजीनियरिंग चेकअप होती है, फ्यूल भरा जाता है, उसका टर्न अराउंड टाइम 3 घंटे का है। तो वैसे देखो तो 7 बजे का जो अराइव वो फ्लाइट आई 5 बजे, 5:30 बजे इंस्टेड ऑफ 5:30, तो वो 9:30 पहले तो वापस फ्लाई होना नामुमकिन था। तो मेरे और मेरी मिसेस दोनों बोर्ड गेट पे चले गए, और गेट पे इतना ओवरफ्लो पैसेंजर्स था जहां खड़ा रहने का जगह नहीं था, तो मैं वापस ऊपर डेक में चले गया। मेरी वाइफ काउंटर पे पूछने गई कि बोर्डिंग कब होने वाला है, और हम दोनों वैसे अलग हो गए। तो एयरलाइंस वाले ने मेरी मिसेस को ये बताया कि आप वापस बिजनेस क्लास लॉन में जाके बैठो, यहां जगह नहीं है, हम आपको वापस बुलाएंगे। तो उस टाइम वो एस्केलेटर पे जब गई तो अराउंड 7वां या 8वां स्टेप पे अपना बैलेंस घुमाया और वो गिर पड़ी, और कोई अच्छे आदमी ने पीछे से एस्केलेटर को बंद कर दिया, और उसके एकदम पीछे वाला पैसेंजर ने उनका सिर पे नीचे हाथ रख दिया और थोड़ा बचाव कर दिया। फिर भी उनको थोड़ी चोट लगी सीनियर सिटीजन होने के बाद, बिकॉज सीनियर सिटीजन वो इतनी घबरा गई कि उन्होंने बहुत बड़ी स्क्रीम की, वो स्क्रीम के बिकॉज ऑफ दैट स्क्रीम एयरलाइंस के सब स्टाफ आ गए, और उन लोगों ने पुलिस और पैरामेडिक्स को तुरंत उधर बुलाया। पैरामेडिक्स ने उनको पूरा चेक किया, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, फिजिकल एग्जामिनेशन, जहां कुछ भी इंजरी नहीं थी, कुछ भी ब्लड नहीं निकल रहा था और सब नॉर्मल था। और एयरलाइंस बोलती है कि हम आपको फ्लाई नहीं करने देंगे, आपको हॉस्पिटल में जाके अंदर इंजरी है कि नहीं एक्सरे निकालो और क्लियरेंस सर्टिफिकेट लो, फिर हम आपको फ्लाई करने देंगे, अभी हम आपको ऑफलोड करेंगे। मतलब ये फ्लाइट में 7 तारीख वाली जो एयरक्राफ्ट फ्लाइट थी सैन फ्रांसिस्को मुंबई, उसमें से आपको ऑफलोड करेंगे, और आप तो वो फ्लाइट तो हमारी छूट गई, और आपको सर्टिफिकेट लेके मुझे कॉन्टेक्ट करो, दूसरे दिन क्लियरेंस होगा तो मैं आपको रीबुक कर दूंगा, और आपको डिफरेंस और डिफरेंस इन फेयर और नो सो पेनल्टी। नो सो मतलब आप आए ही नहीं थे, हम तो आए थे, हमारे पास ये बोर्डिंग पास है, सब कुछ है, फिर भी उन्होंने नो सो का लेबल मार दिया सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम में। और रात को हम 12 बजे मेरे बेटे ने मुझे, हम लोगों को हॉस्पिटल में लेके गए, और सारा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, एक्सरे अंदाजा 7-8 एक्सरे निकाले, और डॉक्टर ने हमको मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये दिया, अमेरिका का है ये मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट। मैम, क्या आपको लगता नहीं है कि ये बात गलत है? यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को की गुड सैमरिटन हॉस्पिटल में लिखा है
कि डू नॉट हैव एनी शॉर्ट टर्म मेडिकल प्रॉब्लम दैट माइट इंटरफियर विथ योर डे टू डे लाइफ। तो क्या ये बात गलत नहीं है कि एयर इंडिया ने आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी चढ़ने नहीं दिया जब आपने कहा मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है? ये उस दिन रात को हुआ था, इसलिए तभी तो फ्लाइट निकल गई थी और फिर हमने दूसरे दिन की फ्लाइट ली बॉम्बे आने के लिए, मुंबई आने के लिए। मैम, इसमें आपको एडिशनल तकरीबन $3,000 का जो खर्चा है वो आपने हॉस्पिटल में अंदाजे से दिया होगा, एडिशनल ₹2,50,000 अपनी और फ्रेश टिकट्स बुक करने के लिए दी होगी, तो क्या आपको लगता है कि एयरलाइन को इसका कुछ भरपाया करना चाहिए? क्योंकि उनके मिसमैनेजमेंट के कारण इस एज में भागा दौड़ी नहीं हो पाती है एयरपोर्ट पर, जिसके कारण अब जल्दी जल्दी जाने में गिर गए। मेरे को मेन तो कि ये नो शो जो किया दैट वाज एकदम ही गलत है वो, क्योंकि फेयर डिफरेंस भी, और वो फ्लाइट के अंदर में 6 सीट खाली थी बिजनेस क्लास में और हमने 2 बुक की, तो भी हमको हाई फेयर लगा के फेयर डिफरेंस $900 एक एक टिकट, सो हमने रुपीज में भरा तो ₹2,50,000 हमने भरा उसका, वो बहुत ही ज्यादा। आप क्या चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे एयर इंडिया के मैनेजमेंट को कि जिस तरह की तकलीफ आपको हुई है, आप जाते टाइम भी जब मुंबई टू सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट थी वो भी 6 घंटा डिलेट थी और आपको बिना एसी के? 6 घंटा नहीं, वो तो इट वॉज अ नाइटमेयर फॉर अस। हम जिस तरह से उसमें सफर हुए, आई थिंक कभी भी हम रेगुलर जाते हैं यूएस, सब एयरलाइन में ट्रेवल किया है, इतना खराब एक्सपीरियंस कहां भी नहीं हुआ है, इतना खराब एक्सपीरियंस हुआ यहां से जाते टाइम भी। उसमें भी हमको कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं दिया, खाली होटल स्टे दिया और वह तभी भी बोला हाँ सुबह में 5:30 को फ्लाइट जाएगी, उसके बदले शाम को गई, वो भी डिले, और वहां भी हम इतने परेशान हुए सैन फ्रांसिस्को लैंड होके भी। तो वेरी, ये इतना मिसमैनेजमेंट आई डोंट थिंक सो कोई भी एयरलाइन में होगा, इसलिए अभी हम तो आई डोंट थिंक सो कभी भी एयर इंडिया में ट्रैवल करेंगे। सर, आपकी ओरिजिनली वापस लौटने की 8 तारीख की वापसी थी, अगर 7 तारीख की आप फ्लाइट लेते तो, लेकिन उसके मुकाबले में आप 10 तारीख को बॉम्बे पहुंचे हैं, ये जो इतना डीले हुआ है, इतना जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल एंग्विश, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हमारा जो ओरिजिनल फ्लाइट 7 तारीख को था तो हम 9 तारीख को सुबह में, अरे 9 तारीख को 8 रात को हम पहुंचने वाले थे बॉम्बे, उसके बदले वो रीबुक किया 8 तारीख को, जो शाम को 7:30-8:30 को छूटने वाली थी उस, वो रात को 8:30 के बदले रात को 2 बजे छूटी, और इसके हिसाब से हम 10 तारीख को सुबह में 9 बजे पहुंचे। हमको ऐसा एक्सपीरियंस, हम लोग करीबन 25 साल से अमेरिका जाते हैं हर साल, हमारी सारी फैमिली वहां है और हमने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, और हमने बॉम्बे एयरपोर्ट पे लैंड होते ही हम तुरंत हमारे ऑर्थोपेडिक जो सर्जन और हॉस्पिटल है वहां गए कि वापस चेक करवा ले कि अगर अमेरिका में कुछ गलती हुई होगी, तो उन्होंने भी ये रिपोर्ट दिया कि इधर कुछ भी फ्रैक्चर या क्रैक नहीं है, जो भी इंजरी है वो सिर्फ इंटरनल है और आप आराम से घर में हरो फरो, खाली उसको और मार ना लगे वो ध्यान रखो। जैसे कि आपने देखा अलका और पंकज खारा जो मुंबई के रहवासी है, उन्होंने एयर इंडिया पर किस तरीके से इल्जाम लगाया, क्योंकि उनकी जिस तरह का बिहेवियर और आचरण रहा है एक वरिष्ठ नागरिक के प्रति, उसके कारण उनको फिजिकल नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, एडिशनल जो 2,50,000 रुपए की टिकट है, और समय का तो बहुत नुकसान हो गया क्योंकि 8 तारीख को वो मुंबई पहुंचने वाले थे उसके मुकाबले में 10 तारीख रात को, तो 2.5 दिन का भी जो उनको नुकसान हुआ है। वो कहते हैं और पूछते हैं कि ये जो पैसा है हमारे रिटायरमेंट फंड या पेंशन फंड का पैसा है, एक्स्ट्रा एडिशनल हमारे पास इनकम एयरलाइंस को देने के लिए नहीं है, तो इसकी भरपाई या इसका कॉम्पेंसेशन कौन देगा? कैमरामैन नितिन वर्ने के साथ देव कोटक, आज तक मुंबई।